का विरोध करना दो नागरिकों को महंगा पड़ गया क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ट्विंग की वजह से ठानेकर काफी परेशान है। कई बार इसके खिलाफ ठानेकरों ने आवाज भी उठाई है। आपको बता दें कि 19 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे के आसपास में उपवन तालाब के परिसर में सड़क किनारे अनधिकृत रूप से पार्किंग की गई गाड़ियों को उठाने के लिए शहर यातायात विभाग वागले उप विभाग ठाणे शहर के सह पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप अवचित शिरसाठ की ट्विंग टीम मौके पर पहुंचकर जो ही पार्क की गई गाड़ियों को उठाने की कार्रवाई करने लगी। ठीक उसी दरमियान चेतन चिटनिस और रितु नामक टेलर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में रुकावट उत्पन्न करने की कार्रवाई की और मौके पर कार्रवाई कर रहे पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करने लगे। देखते ही देखते तमाशा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वहीं ये बात भी सामने आई है कि टोइंग गाड़ी के ड्राइवर के पास भी लाइसेंस नहीं थे। इस दौरान आक्रामक चिटनिस और रितु टेलर पुलिस अधिकारी को धमकी देने लगे। साथ ही काफी समय तक ट्विंग वाहन को रोक कर रखे थे और वीडियो बनाने लगे। साथ ही उठाए गए वाहन को धमकाकर वापस ले लिया। इस तरह का आरोप ठाणे शहर ट्रैफिक विभाग की तरफ से लगाया गया है। इस मामले के विरोध में ठाणे शहर ट्रैफिक विभाग की तरफ से वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में चिटनिस और रितु टेलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। वर्तक नगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए चेतन चिटनिस द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के आरोप में दोनों संबंधित के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। अरे मैडम मैं कशाला फोन करतो लायसन तुला हातात पाहिजे ना अच्छा नाही का बोलतो तुला कोणाला फोन करायचं ठीक आहे ठीक आहे आज तुझ्यावरती कारवाई करणार मी विदाउट लायसन्स तुझ्यावरती कारवाई करणार आज तुला जर फोन लावायचा ना त्याला फोन लाव अरे इधर अपना ए ये जी चावी काढून दे विदाउट सीट बेल्ट ची पण कारवाई करायची आणि काय इधर हॉटेल उधर हां अरे मोबाईल साधा आहे लेका हे तुला कळत नाही का गाडी चालवताना लायसन्स खिशात पाहिजे घरी नाही तुमच्या बरोबर येतो साहेब त्याला विचारा आयडी मागून घ्यायची इकडे आयडी काय लायसन्स लायसन्स कुठे असतो लायसन्स कुठे असतो घरी असतो लायसन्स कोणाकडे असतं घरी असतं का ड्रायव्हरकडे असतं ड्रायव्हरकडे असतं ना मग तुझ्याकडे ड्रायव्हरकडे लायसन आहे लोकांच्या गाड्या उचलता तुम्ही तुमच्याकडे काय आहे स्वतःकडे लायसन नाही आणि दुसऱ्यांच्या गाड्या उचलता नाला एक माणसा कळस आहे तुमचा तुझं काय लायसन तू तर गाडी चालवतोस ना लायसन आहे घरी अरे लायसनचा फोटो ना त्याला गाडी चालवताना लायसन लागतं लायसन नाही आहे लोकांच्या कशाला गाड्या उचलतोय हा कोण आहे हा ड्रायव्हर कोणाचा हा ट्रेनिंग व्हॅनचा ड्रायव्हर आहे लोकांना त्रास द्यायला लोकांच्या गाड्या उचलत आहेत त्याच्या नो पार्किंग बोर्ड जवळजवळ 5 किलोमीटर लांब असेल हे लोक मधल्या सगळ्या गाड्या उचलतात आणि धमकी लोकांना एवढ्या देतात जसं काय काय या लोकांच्या हातात सगळं काय देऊन ठेवलंय लोकांना काय तुमचं नाव काय साहेब चेतन चिटणीस ठाण्याचा नागरिक आहे मी बोलून घ्या याचा जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे ना त्या कॉन्ट्रॅक्टरला पण बोलून घ्या ह्याच्यावरती कुठे पण या एरियामध्ये एखाद्याला विचार करायला लागेल काय करतोय आयडी कार्ड आयडी कार्ड आहे का रे दाखवतो ना आयडी कार्ड हे आयडी कार्ड आहे हे टोईंग व्हॅनचं हे आयडी कार्ड आहे या आयडी कार्डला काय अर्थ आहे का अशा आयडी कार्डला अर्थ आहे का आणि आपण लोक घाबरून या लोकांना घाबरून गाड्या देतो दोन कानफडा त्यांचा कान आहे मारत हे गेले अशा लोकांना दोन कानफडाक मारून गाड्या उतरा खाली कुठलाही पेपर नाही यांच्याकडे यांना विचारलं मी तुमच्याकडे गाड्या उतरायचा पेपर दाखवा यांच्याकडे पेपर नाही ड्रायव्हरकडे लायसन नाही टोईंग करतात गाड्या उचलतात काहीही माहिती ठिकाण कुठलं
इधर सर ठिकाण कुठलं आहे ठिकाण सांगा ठिकाण सांगा ठिकाण 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 सांगा कुठं ठिकाण काय ठिकाण कुठलं आहे कोणतं ठिकाण आहे नॉर्मली आज सॅटर्डे संडे तर लोक इथे येतात फॅमिलीज येतात गाड्या लावताना इथे बरीच गाड्या लावलं जागा आहे लोक इथे आरामात गाड्या लावतात स्वतःच्या लाईफ एन्जॉय करतात उगीच त्रास द्यायचा म्हणून हे टोईंग मध्ये येणार बाईक उचलणार गाड्या उचलणार काही काही अर्थ नसतो आणि हे साहेब या साहेबांशी बोललो मी आता हे शांत बसले सगळं ऐकतायत काय नाही कशाबद्दल त्यांना काय बोलायचं नाही नो पार्किंगचा बोर्ड ड्रायव्हरकडे लायसन्स नाही याच्याबद्दल तुम्ही काय बोलाल हलवून शिंदे काय बघा ना त्यांनाच विचारा ना किती पुढे होणार लायसन ऑफिस मध्ये असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि गाडी उचलली तर लायसन्स नाही मेरा गाडी पकडा का मेरा पास लायसन्स नाही आहे तो बोला मानेगा क्या पीआय मॅडमशी बोललो होतो हे असे कारभार ठाण्यामध्ये ठाणेकरांनी समजायला पाहिजे या लोकांना ना हे लोक फटक्याची भाषा समजतात या लोकांशी तुम्ही प्रेमाने बोलत राहिले ना हे तुम्हाला उल्लू बनवणार आणि पैसे लुटणार विचारलं मी तुम्हाला सांगितलं की कुठे गाडी उचलताना तुम्हाला पहिले अनाउन्समेंट करायला पाहिजे त्यांच्याकडे भोंगा नाही तोंडातल्या तोंडातून ओरडतात लोकांना कळलं नाही तर लोक काय करणार तुम्ही एक काम करा तुमची गाडी बाजूला लावा आणि तुमची सगळी लायसन्स पेपर जो पण त्याच्यामध्ये तुम्ही जो 28 तारीख को जो शाम को 5:30 की जो घटना है उसके आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो उनकी वहां के लोगों ने जो हमारे ट्रैफिक के कांस्टेबल जो कायदे से लीगल कार्रवाई कर रहे थे उसमें अड़चन निर्माण करने की कोशिश की ये करते हुए उन्होंने लोग उनकी उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है जिसमें विशेष कर से करके लोगों को उन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश की है मारने की धमक देने की मार लोगों को मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको मारने की धमकी दी है या लोगों को इंस्टिगेट किया है इसी के अनुसार हमने वर्तक पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर आईपीसी सेक्शंस 186 341 506 और 506 और 34 के तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है और आगे की कार्रवाई चालू है सर जिस तरीके से वो वीडियो में जो लड़का कह रहा है कि इसके पास लाइसेंस नहीं चलो ड्राइवर का और जो कोविड में उठा रहे थे उनके पास भी आई कार्ड नहीं है तो आप देखिए हमारे पास हर डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस में एक स्वतंत्र ग्रीवांस सेल है हमारे इंडिविजुअल ऑफिसेज हैं हर जगह एसीपी ऑफिस है यूनिट इंचार्ज के ऑफिसेज है वहां जाकर व्यक्तिशः या लिखित स्वरूप में आप कंप्लेंट दे सकते हैं बट इस तरह से रोड पे किसी को आप कायदे से जो कार्रवाई चल रही उसमें विलंब निर्माण करना या उसको और लोगों को इंस्टिगेट करना ये पूरी तरह से गलत है उसके ऊपर उसी दिन कार्रवाई हुई है उसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नॉन प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस के तहत उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया गया है टोइंग वैन है उसकी सर्विसेज हमने सस्पेंड कर दी है नहीं ये एक P1 P2 का जो है यहाँ पे दुर्भाग्यवश ठाणे सिटी जो है जहाँ पे रोड्स बहुत नैरो हैं हम अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं कि दोनों साइड से पार्किंग करने के बाद व्हीकलर मूवमेंट को बहुत दिक्कत जाती है विशेष करके बड़ी गाड़ियाँ होती है अगर कोई सिटी बस जा रही है या दो साइमल्टेनियसली गाड़ियाँ जाती है तो हमको ये निर्णय लेना पड़ता है P1 P2 का कि एक साइड कोई भी पार्किंग हम करें तो यहाँ पे हम वो अनाउंस करते हैं और एक नोटिफिकेशन निकलता है P1 P2 का और उसके बाद फिर बोर्ड लगा के फिर हम कार्रवाई करना शुरू करते हैं